हाँ जी स्टूडेंट्स, ये वाली बुक थी जो मैंने आपको लास्ट टाइम रेकमेंड की थी कि आपने इसका कोई भी जो लेटेस्ट एडिशन आपको मिले, आपने इसका लेटेस्ट एडिशन इस बुक का ले लेना है। और इसी बुक को हमने फॉर फ्यूचर जो है इसको यूज़ करना है अपने इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एज अ टेक्स्ट बुक हम इसको फॉलो करेंगे। एडिशनली अगर आपको कोई और अथेंटिक बुक से कहीं से कोई मटीरियल मिलता है तो आप वो भी उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने ये वाली स्लाइड को आपकी जो क्लास है उसमें हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो एआई है इसकी डिफरेंट डिपेंडेंसीज को और इसकी डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर किया था, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो जितनी भी डोमेन्स हैं ये सारी डोमेन एआई की सब डोमेन्स हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम इसको काफ़ी जो है वो ब्रीफली डिफाइन किया था। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें इसको रिपीट करने की कोई गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उस दिन फर्स्ट लेक्चर था तो उतना ब्रीफली तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं क्विकली इसको जो है एक रिव्यू इसका कर देता हूँ ताकि जो जिन स्टूडेंट्स ने आज ही ज्वाइन किया है उनको भी इसकी समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये जो डिफरेंट ब्रैकेट्स में, ये स्केयर ब्रैकेट स्केयर्स में आपको डिफरेंट नेम नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये एआई की सब ब्रांचेस हैं और उनकी डिपेंडेंसीज को शो किया गया। ये जो आपको एरो के साथ नजर आ रहा है ये एक्चुअल में क्या है, उनकी डिपेंडेंसीज हैं कि कौन सी जो डोमेन है वो किस दूसरी डोमेन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि इसकी एक जो डोमेन है एआई की उसको हम सर्च कहते हैं, जो सर्चिंग है वो एआई की सब डोमेन है, ठीक है। इंटेलिजेंट सर्चिंग, आप कोई भी जो है आप सर्च इंजन ले लें, आप यूट्यूब ले लें, तो इसकी हमने बात की थी क्लास में कि जो सर्चिंग है वो आप इसको चाहे आप गूगल सर्च इंजन में ले जाएं या फिर आप वैसे डेटाबेस में कोई चीज सर्च करना चाह रहे हैं जो आपका डेस्कटॉप पे डेटा है उसकी भी उसमें भी आप सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें भी एआई जो है इंक्लूड होती है। जैसे अभी आप ये कंप्यूटर सिस्टम में अपने जो आपका विंडोज है इसमें आप डिफरेंट फाइल्स डिफरेंट प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको सर्च इंटेलिजेंटली कैसे करना है ताकि उसके रिजल्ट एफिशिएंट हों, उसके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट हों, वो इस डोमेन में इस सारी चीज को डील किया जाता है जिसको हम कहते हैं कि ये सर्च है। तो ये भी एक एआई की सब डोमेन है। उसके बाद लॉजिक को मैंने कहा था कि इसको आप अभी जो है वो होल्ड करें, इसको इसका टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो तब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा, क्योंकि अभी जो है वो आप इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसको हमने होल्ड किया था। उसके बाद मैंने आपको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है इस बारे में बताया था कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो डोमेन है एआई की, इसमें हम करते क्या है, हमारी जो मेजर फोकस होता है वो ये है कि जो हमारे पास नॉलेज है, जैसे ह्यूमन का नॉलेज उसके ब्रेन में वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है फॉर प्रोसेसिंग, इसी तरह अगर हम कोई मशीन को इंटेलिजेंट बनाने की बात कर रहे हैं तो उस मशीन का जो नॉलेज है उस नॉलेज को एफिशिएंट बनाना ताकि वो मशीन उस नॉलेज को एक्टिवली यूज कर सके, तो वो सारी जो डोमेन है उसको हमने कहा कि ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में इसको डील किया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कैसे करना है कि हमारा जो उसकी सिस्टम की एफिशिएंसी है वो ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी मशीन लर्निंग की, और इसमें मैंने आपको बताया था कि लर्निंग का बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक इंसान का जो छोटा बच्चा होता है वो एज के साथ साथ चीजें लर्न करता है, ठीक है, डिफरेंट एक्सपीरियंस से वो चीजें लर्न करता है। तो यही कैपेबिलिटी मशीन या कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवाना, इसको हम कहते हैं कि मशीन लर्निंग है, ठीक है। उसके बाद हमने प्लानिंग की बात की थी, तो प्लानिंग भी एक सब डोमेन है। प्लानिंग का मैंने आपको बताया था कि जैसे हम ह्यूमन प्लान करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज आप जो ह्यूमन है वो आप कहते हैं कि हम मरी का एक ट्रिप प्लान करते हैं, तो वो प्लान से मतलब आपका होता है कि वो किन प्रोसीजर्स में आप जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसका पूरा जो एक रोड मैप देना है वो प्लानिंग में आता है। यही चीज कंप्यूटर सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाना, ये जो प्लानिंग एबिलिटी है ह्यूमंस की, ये पूरी डोमेन जो है वो इसको डील करती है, ठीक है, प्लानिंग से रिलेटेड। उसके बाद मैंने बात की थी एनएलपी की। एनएलपी स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और आपको पता है कि जो नेचुरल
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इसमें हम जो ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हैं, जो हम लैंग्वेज अपनी डेली लाइफ में फॉर कम्युनिकेशन पर्पज यूज करते हैं, इस लैंग्वेज को प्रोसेस करना, और इस लैंग्वेज में अगर कोई क्यूरी आती है तो उसको उसको आप सिमेंटिक मीनिंग भी कह सकते हैं कि आप एक टेक्सचुअल की देख के बता सकें कि इसमें इमोशंस क्या छुपे हुए हैं इस टेक्स्ट में, वो एक्चुअल में आप लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जो सारी डोमेन है जो लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रोसेस करती है, उसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद हमने विजन की बात की, और विजन में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम ह्यूमन देखते हैं ऐसे आपका जो मशीन्स हैं वो ऐसे नहीं देखती, ठीक है। एक मशीन को अगर आप एक इमेज देते हैं तो उसके लिए वो कुछ सीन या कुछ इस तरह की चीज नहीं होती, उस मशीन के लिए वो जो इमेज है वो जस्ट क्या है, बाइनरी नंबर्स है, 0101 01 ही है। तो उसको प्रोसेस करना, जो इमेज का डेटा है, जो वीडियो डेटा है, जो विजुअल चीजों विजुअल डेटा है, उसको प्रोसेस करके डिफरेंट सिनारियों को अंडरस्टैंड करना, इवेंट को अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज करना, उनकी कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये सारा जो प्रोसेस है वो इस विजन के अंडर आता है। विजन में जाके इसको हम डील करते हैं। तो ये वाली जो डोमेन है विजन की, ये इस प्रोसेस को डील करते हैं जिसमें हम विजन से रिलेटेड चीजों को, उसमें AI जो का कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी रिबोटिक्स की। तो रोबोटिक्स के, जब हम रिबोटिक्स की बात करते हैं तो इसमें होता है कोई फिजिकल एक्शन यानी कोई फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। हम इंसान हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, तो हमें आपको पता है कि हम मूव भी करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं। तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसके लिए भी इंटेलिजेंसी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, हम ह्यूमन को भी। और यही जो वॉकिंग पैटर्न है, जो आपका एक्शन लेना है, जो आपने फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह किसी मशीन को मूव करवाना है या रिबोट को मूव करवाना है, तो उसके लिए भी इंटेलिजेंसी चाहिए। तो रोबोटिक्स में मूवमेंट की इंटेलिजेंसी को जितना भी डील किया जाता है वो इस रोबोटिक्स में किया जाता है। उसके बाद जो एंड वाला पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है, इसको हम एक्सपर्ट सिस्टम है। एक्सपर्ट सिस्टम में मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी एलेबोरेट किया था कि एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब है कि हम जो एक्सपर्ट का नॉलेज है, उस एक्सपर्ट के नॉलेज को मशीन में ट्रांसफर करें, और फिर उस मशीन से ही उस, जैसे हम लेट्स सपोज आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे अपने सिम्टम्स बताते हैं तो वो आपको कुछ उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको ये वाली मेडिसिन सजेस्ट करता है, या आप कह लें आपको उसके जो प्रिकॉशंस हैं उन सिम्टम्स की बेस पे कोई ना कोई आपको उसके बारे में कंक्लूजन निकाल के बताता है कि आपको ये इशू है। अब यही जो चीज है वो मशीन से ये काम लेना कि हम एक्सपर्ट्स का जो नॉलेज है वो मशीन्स में ट्रांसफर करें, और फिर उन मशीन्स को डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स दें, जिसमें अगर आप मेडिकल की बात करें, मेडिकल से रिलेटेड एक्सपर्ट सिस्टम की, तो उसमें एक पेशेंट है, तो उस पेशेंट की जितनी भी हिस्ट्री है वो उस मशीन को दे दी जाए एज अ इनपुट। तो मशीन क्या करे, उस हिस्ट्री को अवेलुएट करते हुए उसके लिए प्रिकॉशंस या मेडिसिन या जो भी उसको काउंटर मेजर्स हैं वो सारे सजेस्ट कर दे कि इस पेशेंट के लिए ये वाली मेडिसिन चाहिए, इसके लिए जरूरी है, या इसको कह लें कि ये वाले प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो एक पूरी डोमेन है ये एक्सपर्ट सिस्टम को डील करती है, जिसमें हम एक्सपर्टीज की बात करते हैं, हम जो एक्सपर्ट्स है उनके नॉलेज को मशीन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है कि AI जो है वो है क्या। अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो हम किस तरह से AI को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक से ज्यादा डेफिनेशन है जो सभी जो है उनको मैं आपके सामने जो है उसको एलेबोरेट कर दूंगा। फर्स्ट पे है कि हम AI किसको कहते हैं, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला पॉइंट है मेकिंग कंप्यूटर्स दैट थिंक, यानी ऐसे कंप्यूटर बनाना जो सोच सके, ये AI है, ठीक है। दूसरा, अगर हमारा दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास द ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज वी एसोसिएट विद ह्यूमन थिंकिंग लाइक डिसीजन मेकिंग लर्निंग। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि जो
ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन थिंकिंग से रिलेट करती हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग और लर्निंग। ऐसी एक्टिविटीज को ऑटोमेट करना, यानी ये मशीन ओरिएंटेड इनको कर देना, कि ये जो थिंकिंग है, लाइक डिसीजन मेकिंग है और लर्निंग है, ये कैपेबिलिटीज मशीन में आ जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, और ये जो डोमेन है उसको कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स दैट परफॉर्म्स फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस व्हेन परफॉर्म बाय पीपल्स। इसको दोबारा आप लोग भी साथ पढ़ें मेरे, कि द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स दैट परफॉर्म फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंसी व्हेन परफॉर्म बाय पीपल। यानी कि इसमें हम उस आर्ट को स्टडी करते हैं जिस आर्ट को यूज करते हुए हम ऐसे सिस्टम डेवलप करते हैं जो इस तरह के टास्क टास्क परफॉर्म करते हैं कि वही टास्क अगर ह्यूमन करें तो उसके लिए इंटेलिजेंसी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स दैट परफॉर्म टास्क फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंसी व्हेन परफॉर्म बाय पीपल, यानी इंटेलिजेंट मशीन जो है वो जनरेट करना। सो नेक्स्ट है हमारे पास द स्टडी ऑफ मेंटल एबिलिटीज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स। अब इसको भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं। अब इसको समझ लें जरा, द स्टडी ऑफ मेंटल एबिलिटीज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल। इसको आप ऐसे कह लें कि जो इंसानी दिमाग की एबिलिटीज हैं, ठीक है, जो जो प्रोसेसिंग ह्यूमन ब्रेन कर सकता है, उस ब्रेन को उस एबिलिटीज को थ्रू कंप्यूटेशनल मॉडल स्टडी करना, कि अगर एक इंसान का इंटेलिजेंट बिहेवियर है, वो इंटेलिजेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तो हम उस इंटेलिजेंट बिहेवियर को मैथमेटिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वाली पूरी डोमेन को, ये जो है इसको भी हम कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन दैट मेक इट पॉसिबल टू परसीव रीजन एंड एक्ट। हम अगर ह्यूमन की बात कर लें इस पॉइंट पे आके, तो ह्यूमन में भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पहले तो परसीव करते हैं, फिर उसके बारे में रीजन जनरेट करते हैं और फिर उसके ऊपर एक्ट करते हैं। इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि अगर कोई गर्म चीज है लोहे की और आप उसको हाथ लगा रहे हैं, तो जो हाथ लगाया आपने उसको, वो आपने उसको परसीव किया है। ठीक है, आप उसको परसीव कर रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो परसीव करके आपने, उसके बाद आपको वो अगर ज्यादा गर्म लग रहा है तो आप एक रीजन जनरेट अपने माइंड में सेट करेंगे कि ये गर्म है, वो एक रीजन है। उसके बाद आप अपना हाथ पीछे कर लेंगे, क्या, क्योंकि आपका हाथ डैमेज ना हो जाए, तो वो क्या किया आपने, एक्ट किया। ठीक है, परसीव करना, रीजन जनरेट करना और एक्ट करना। ठीक है, तो इसमें फिर क्या आता है, द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशंस दैट मेक इट पॉसिबल, यानी हमने कंप्यूटेशनल मॉडल्स के थ्रू, मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू, कंप्यूटेशंस और मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू इसको पॉसिबल करना है कि जो हमारी मशीन्स हैं वो परसीव भी कर सकें, रीजन भी जनरेट कर सकें और फिर उसके ऊपर एक्ट भी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट सीक्स टू एक्सप्लेन एंड इमुलेट इंटेलिजेंट बिहेवियर इन टर्म ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसेस। ये पिछले जो दो तीन प्रोसेस में कंप्यूटेशनल की बात हो रही है, यानी ये फील्ड ऑफ स्टडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें इंटेलिजेंट बिहेवियर को हम सिमुलेट करते हैं या एमुलेट करते हैं, यानी जो इंसान का इंटेलिजेंट बिहेवियर है उसकी एमुलेशन। ठीक है, उसको उसको कंप्यूटेशनल प्रोसेस के थ्रू उसको एमुलेट करना, सिमुलेट करना। इसको आप ऐसे ही समझ लें जैसे वो कहते हैं ना कि आपको कार ड्राइविंग के लिए, कार ड्राइविंग सिमुलेशन में पहले आप उसकी ट्रेनिंग लें, जैसे वो एयरप्लेन के ऊपर एक्चुअल फ्लाइट पे लेके जाने से पहले पायलट को क्या करते हैं कि उसको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है जिसमें सारा कुछ जो है वो एक्चुअल जो प्लेन है उसी की तरह होता है, और वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो असल में एमुलेशन होती है, वो एक्चुअल चीज नहीं होती। इसी तरह ये है कि जो हमारी ये फील्ड ऑफ स्टडी है जो इंटेलिजेंट बिहेवियर को एमुलेट करती है और उसको डील करती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, अ ब्रांच ऑफ
कंप्यूटर साइंस दैट इज कंसर्न विद ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। अगेन वही बात है, असल में बात एक ही है लेकिन उसको डिफरेंट एंगल्स के थ्रू बताया जा रहा है कि अब ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है दैट इज कंसर्न विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, यानी जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है उसकी ऑटोमेशन करने का नाम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है।